हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज 1.4, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन 8 तक हमारे हो चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 9 हमारे पास क्या है? इफ़ ए इज़ इक्वल टू 3, 6, 9, 12, 4, 15, 18, 21। बी सेट दे रखा 4, 8, 12, 16, 20। सी दे रखा आपको 2, 4, 6, 8, 10, 12, 12, 14, 16। इसी तरह डी दे रखा है। फिर हमें क्या फाइंड करना है? ए माइनस बी, डिफरेंस फाइंड करना है। कल हमने डिफरेंस दे फाइंड किया था। कैसे फाइंड किया था डिफरेंस? ए और बी का हम डिफरेंस निकालने क्या आएगा, सेट ऑफ एलिमेंट्स विच बिलोंग्स टू ए बट डज नॉट बिलोंग्स टू बी। इसी तरह सेट ए हमारे पास क्या है, 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21। माइनस करेंगे 4, 8, 12, 16, 20। ए के अंदर हम वही डिजिट उठाएंगे जो बी के अंदर बिलोंग्स नहीं करते। 3 हमारे पास ए के अंदर है बट बी के अंदर नहीं है, इसीलिए हम 3 नोट किया। उसके बाद 6, 6 हमारा सेट ए में बिलोंग करता है, बी में नहीं करता, नोट कर दिया। 9, 9 हमारा सेट ए में बिलोंग करता है बट बी में बिलोंग नहीं करता। उसके बाद 12, 12 हमारा ए में भी बिलोंग करता है, बी में भी, 12 को मेंशन नहीं करेंगे। 15, 15 हमारे पास सेट ए में बिलोंग करता है, 15 नोट किया। 18, 18 हमारा सेट ए में बिलोंग करता है बट सेट बी में बिलोंग नहीं करता। 21 ए में बिलोंग करता है बट बी में बिलोंग नहीं करता, इसलिए हमारे पास क्या आया, 21। सेकेंड पार्ट है ए माइनस सी, डिफरेंस फाइंड कर रहे हैं हम। ए डिफरेंस सी, ए हमारे पास सेट दे रखा है, सी हमारे पास इस सेट दे रखा है। ए और सी का डिफरेंस निकाल रहे हैं। दोनों में हमारे पास 3 हमारे पास ए सेट के अंदर बिलोंग करता है बट सी में नहीं है, मेंशन कर लेंगे। 6 हमारे पास ए सेट में भी है एंड सी सेट में, इसीलिए 6 को नोट नहीं करेंगे। 9 हमारे पास सेट ए में है बट सेट सी में नहीं है। इसी तरह 12 हमारे पास दोनों के अंदर आएगा। 15 हमारे पास सिर्फ सेट ए में है। 18, 21। इसी तरह ए माइनस डी फाइंड करेंगे एंड बी माइनस ए फाइंड करेंगे। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 10। इफ़ एक्स इज इक्वल टू ए बी सी डी एंड वाई इज इक्वल टू एफ बी डी जी फाइंड। अब हमें फाइंड करना है एक्स माइनस वाई। एक्स के अंदर हमारे पास एलिमेंट है ए बी सी डी, माइनस वाई के अंदर एलिमेंट है एफ बी डी जी। दोनों का डिफरेंस फाइंड कर रही हैं। ए हमारा सिर्फ एक्स में है, इसीलिए हम नोट करेंगे क्योंकि वाई में नहीं है। उसके बाद हमारे पास बी दोनों के अंदर आएगा तो हम इसको नेगलेक्ट करेंगे। उसके बाद सी हमारे पास दोनों के अंदर, सॉरी सी एक्स के अंदर है बट वाई के अंदर नहीं है, इसीलिए सी को मेंशन करेंगे। डी हमारा नेगलेक्ट होगा। उसके बाद हमें फाइंड करना है वाई माइनस एक्स। वाई हमारे पास क्या है, एफ बी डी जी, माइनस एक्स हमारे पास क्या है, ए बी सी डी। अब हमारे पास एफ सिर्फ वाई सेट के अंदर है, एक्स सेट में नहीं है, वाई को नोट करेंगे। बी हमारे पास दोनों में है इसलिए नेगलेक्ट होगा एंड डी हमारे पास दोनों के अंदर दिया हुआ है, नेगलेक्ट होगा। और जी हमारे पास सिर्फ सेट वाई के अंदर है, इसलिए नोट किया। एक्स इंटरसेक्शन वाई, एक्स इंटरसेक्शन वाई में क्या फाइंड करेंगे, ऐसे एलिमेंट्स जो दोनों के अंदर कॉमन है। दोनों में कॉमन क्या आएगा आपके पास, बी एंड डी, बी और डी हमारे पास एक्स इंटरसेक्शन वाई। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 11। इफ़ आर इज़ द सेट ऑफ रियल नंबर्स, आर हमारे पास कोई सेट है रियल नंबर्स का, एंड क्यू इज़ द सेट ऑफ रैशनल नंबर्स, और क्यू आपके पास कोई सेट है रैशनल नंबर्स का, देन व्हाट इज़ आर माइनस क्यू। तब हमें आर माइनस क्यू फाइंड करना है। आर हमारे पास क्या सेट ऑफ रियल नंबर, क्यू हमारे पास क्या है सेट ऑफ रैशनल नंबर, आर माइनस क्यू क्या आएगा। रियल नंबर क्या होता है हमारे पास, रियल नंबर के अंदर सभी रैशनल नंबर प्लस भी इरेशनल नंबर। अब रैशनल और इरेशनल दोनों नंबर आएंगे हमारे पास रियल नंबर्स में। क्यू के अंदर क्या है, ओनली रैशनल। अगर हम रियल में से रैशनल को माइनस करेंगे तो कौन बचेगा, इरेशनल। इसीलिए आर माइनस क्या हुआ हमारे पास क्या आ जाएगा, सेट ऑफ ऑल इरेशनल नंबर्स। उसके बाद है क्वेश्चन 12, ट्रू फॉल्स फाइंड बताना है हमें।
First 2, 3, 4, 5 एंड 3, 6 आर डिसजॉइंट सेट है। डिसजॉइंट सेट क्या होता है? ऐसा सेट है जिसके अंदर ए इंटरसेक्शन बी, कोई भी दो सेट दे रखे और उनका इंटरसेक्शन फाइंड करें तो क्या आए? 5 के इक्वल आ जाए। अब दोनों का इंटरसेक्शन फाइंड करो, क्या आएगा? 3 आ गया हमारे पास दोनों इंटरसेक्शन में, ये 5 के इक्वल नहीं है। 5 के इक्वल नहीं है तो इट मीन्स डिसजॉइंट सेट नहीं है, नहीं है तो क्या बोल देंगे इसको हम? फॉल्स। अब नेक्स्ट है ए ई आई ओ यू एंड ए बी सी डी। अब इन दोनों में कॉमन क्या है आपके पास? ए दोनों के अंदर कॉमन है, कॉमन है तो इट मीन्स ये डिसजॉइंट सेट नहीं है तो इसको भी हम क्या बोलेंगे? फॉल्स। नेक्स्ट है 2, 6, 10, 14 एंड 3, 7, 11, 15। अब इन दोनों में देखते हैं हम कॉमन क्या है। 2, 6, 10, 14, 3, 7, 11, 15 कुछ भी कॉमन नहीं है, कुछ भी कॉमन नहीं है। इट मीन्स ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा आपके पास? 5 आ जाएगा तो इसको हम क्या बोल देंगे? ट्रू। ये हमारे पास क्या हो गया? डिसजॉइंट सेट। नेक्स्ट है आपके पास 2, 6, 10 एंड 3, 7, 11। दोनों के अंदर हमारे पास कॉमन क्या आएगा? कोई भी डिजिट्स कॉमन नहीं है, कॉमन नहीं है तो हम क्या बोल देंगे इसको? डिसजॉइंट सेट। पहले से डिसजॉइंट सेट दे रखा है तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा? ट्रू। ओके स्टूडेंट्स, आज हमारी एक्सरसाइज 1.4 कंप्लीट हो गई। थैंक यू।